गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों को। हेलो बच्चों, वॉइस इज क्लियर? वॉइस क्लियर है मेरी? रिप्लाई यस सर। कीजिए। वॉइस क्लियर बच्चों? हेलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? ठीक है, सभी बच्चे ऐड हो जाइए। होमवर्क कंप्लीट हो गया बेटा? जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, आप तो रिप्लाई नहीं करते हैं होमवर्क का। हेलो, और सब बच्चे कहाँ हैं? चलो बेटा, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। टेंथ की क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया, 5 मिनट। हाँ बेटा, कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? लास्ट टॉपिक सर में क्या लेटेंट हीट तक। था? अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम लोगों ने आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है बेटा, मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को ना, फ्रीजिंग पॉइंट को। वेपरेशन तो मैंने बता ही दिया था, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इन सब का आंसर आप लोगों ने रिप्लाई किया, लिखा आंसर आप लोगों ने। हेलो, सर कुछ तो आप लोग आ रिप्लाई गया था, सब में कौन कौन सी? टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहा था। कौन से कौन कौन से फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे थे? रिप्लाई करिए आप लोग। फैक्टर्स सारे आपने सर्च करे थे, कौन सर आप ही एक बार सारे बता दीजिए। को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग एक बार और सर्च करिएगा, कुछ आप लोग भी कीजिए, नहीं मैं आपको आंसर फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? ये होमवर्क था आप लोग, आप लोगों ने सर्च नहीं किया। आप सोचिए, आप लोगों ने एक बार भी ट्राई किया? सर हम नहीं लोग ट्राई कब से किया? ट्राई ट्राई, कर रहे हैं? हाँ तो उसको एक बार और सर्च करो बेटा। चलिए अभी मैं लास्ट में आप लोग डिस्कस कर दूंगा। तो देखो, हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। मैं सर सोचा था सर, हाँ नहीं सर समझ एक में बार और आया? ट्राई कर लो। सर सोचे थे सर, मतलब होमवर्क सर हुआ है, बट सर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे सर, जैसे कि मतलब यहाँ पे है फ्रीजिंग पॉइंट, तो सर मतलब जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं वो बस मतलब यही है कि जो मतलब सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ले सकते हैं। प्रेशर का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देखिए ध्यान दीजिएगा। सर ये तो मतलब अच्छा, ये समझ मैं में आपको नहीं एक आया था। आइए मैं फैक्टर्स बताता हूँ। देखो बेटा, ये सब एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, एग्जाम के लिए तो कम इम्पोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे NTSC जो होगा, इसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस कॉम्पिटिटिव पार्ट भी आप लोग तैयार करते चलिए, बाकी नॉलेज तो जरूरी है ही है एग्जाम के लिए। और सब बच्चे कहाँ गए? ओनली वन आप ही ऐड हुए हैं आज। देखिए, और सब बेटा ऐड क्यों नहीं होते बच्चे? सर अर्पिता मैसेज कर रही है कि उसको ज्वाइन कर लीजिए। किसको ज्वाइन करने? अच्छा, सर अर्पिता ने मैसेज किया है। अर्पिता ने किया है।
अर्पिता ऐड है ना बेटा इसमें, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। टुडे इज लेक्चर नंबर 4। टुडे इज लेक्चर नंबर 4। In lecture 3, we have discussed latent heat and some questions. And today we'll discuss about factors affecting freezing point, sublimations, repositions, etc. Okay? देखिए बेटा, फर्स्ट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। ध्यान समझिएगा, नंबर वन फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा आप बताइए, सिंपल सा हम लोग अगर हम बात करते हैं जनरली बेटा, आप देखिए तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बताइए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अगर आपसे वाटर, एक मिनट सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग नहीं फ्रीजिंग स्टडी कर रहे हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे आपसे कहा जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता बताइए, जीरो डिग्री सेल्सियस होता है जनरली, मतलब 1 atm पर, जनरली का मतलब होता है एट 1 atm, तो 1 atm पर वाटर फ्रीज होता है जीरो पर। अब आप बताइए कि अगर हम लोग इसमें शुगर को मिक्स कर दें, जैसे आपसे ये पूछा जाए, अब आप बताइए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन, अगर हम पानी में चीनी को मिला दें, शुगर को मिला दें, तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री से हाई हो जाएगा कि लेस हो जाएगा, क्या लगता है आप लोग बताइए, हाई हो जाएगा सर, मतलब जीरो से ज्यादा, 1, 2, 3 ऐसा बताइए सर, सॉल्ट ऐसे तो जल्दी हो जाता है सर, डिक्रीजिंग में मतलब ये होगा माइनस, आई थिंक माइनस में हो जाएगा ना, ये सर बताइए, याद रखिएगा अगर हम लोग किसी सोलूशन की बात करते हैं, सोलूशन की, तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कम हो जाता है, यानी कि जानते क्या हो जाएगा, ये बिलो हो जाएगा, बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस, बात समझ आ रहा है, यानी किसी भी लिक्विड में जैसे वाटर अगर प्योर होगा तो जीरो डिग्री, ये प्योर वाटर की बात की जा रही है, प्योर वाटर का मतलब समझते हैं आप लोग, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर क्या मतलब होता है बताइए, तो प्योर वाटर कैसे ऑब्टेन करेंगे आप, प्योर वाटर मींस सर पानी को गर्म करके, गर्म किया, गर्म करने से मिल जाएगा सर, पूरी तरह से तो नहीं लैग मिल सकता है सर, हाई टेंपरेचर नहीं, 100% पानी को आप हीट करिए, प्योर होगा सर वो 100% होगा, देखिए पानी को आप गर्म करिए, जो भाप निकलती बेटा ना, जैसे मान लो चाय बना रहे हैं आप, भाप उड़ रही है पॉट में से, ऊपर आप एक थाली या प्लेट लगा दीजिए, तो ध्यान दे, तो जब भाप उड़ती है तो ऊपर फिर ठंडा हो जाता है कि नहीं भाई, चाय बन रही है और ऊपर एक प्लेट लगा दीजिए जहाँ भाप उड़ रहा है, तो उस पर जो प्लेट पे जो भाप जाके उस पर कोलेजन करेगी, टकराएगी, वो फिर ठंडी हो जाती है ना, कंडेंसेशन हो जाता है, फिर उस प्लेट पे जो पानी के छोटे बूंदे जो ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उस वही तो है डिस्टिल्ड वाटर, समझे आप लोग, तो प्योर वाटर को ही डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है यस सर, ऐसे तो आपने सुना होगा क्या बोलते हैं कि रेन वाटर क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सुना है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, लेकिन सर ऐसा होता है नहीं सर, उसमें एसिड, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता, पता है क्यों बेटा,
जब वहां से रेन सर वो जब ड्रॉप एटमॉस्फेयर में आता है तो फिर उसमें स्मोक और दूसरी चीजें मिक्स हो जाती हैं, इसीलिए सर वो प्योर नहीं रहता हाँ यस सर, स्मोक बहुत तो सारी मिक्स हो ही इम्प्योर जाती है, चीजें हैं। मेन गैसेस मिक्स हो जाती है, वो एसिड रेन बन जाता है। ठीक बेटा, क्या बन जाता है? एसिड रेन। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है एसिड रेन। देखिए पहले यहाँ समझते हैं, तो क्या समझ में आया बताइए? अगर हम लोग मिक्स कर दें यानी वाटर को क्या कर दें, सॉल्यूशन के फॉर्म में बना दें, तो उसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, याद रहेगा ना? तो आप यहाँ नोट में यस लिखिए क्या यस क्या समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, फर्स्ट देखो बेटा, हायर द इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, फोर्सेस कर दो, हायर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सर, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के मतलब बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सर समझ में नहीं आया सर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से सर कैसे होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा कर दिया आपने ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी तो उसका हाई हो जाएगा ना बेटा। यस सर अच्छा ये यस मैं सर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार और सोचिए, पहले पॉइंट लिख लो फिर मैं बताता हूँ। एक पॉइंट बेटा और नोट करिएगा, एक और हम लिख सकते हैं, हाँ ये लिख लो, इफ द पार्टिकल पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी टाइटली, फ्रीजिंग पॉइंट, विल बी वेरी हाई। ठीक है, तो देखिए दो फैक्टर्स मेन होते हैं, और क्या है, सोल्यूशन अगर बना दीजिए तो बिलो चला जाएगा। बताइए आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर, कोई भी चीज मिक्स कोई भी करने से चीज सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ती है क्या? बढ़ती नहीं है, स्पेस कम हो जाएगा बेटा ना। भाई पानी के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो गैपिंग होती है, इसी में तो शुगर का मॉलिक्यूल जाके बैठ जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे ये देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सर मतलब फिर कम होना चाहिए ना सर, आप हायर लिखे हैं। इसमें हायर द इंटर मॉलिकुलर फोर्स, जितना ज्यादा इंटर मॉलिकुलर फोर्स की बात हो रही है, स्पेस की नहीं, ध्यान दीजिए। अभी बताइए, इसको स्पेस कहते हैं बेटा ना, इट इज स्पेस, जगह को स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर अगर शुगर का मॉलिक्यूल ऐसे से आ जाएगा तो क्या हुआ, फोर्स बढ़ गया ना। बताइए आप, फोर्स का मतलब हुआ कि ज्यादा घना होना चाहिए, घना मतलब डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये देखिए इसमें क्या है, बताइए आप, स्पेस को बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर स्पेस, और ज्यादा मॉलिकुल एक साथ, जैसे सॉलिड मान लीजिए, सॉलिड में क्या है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस कम है लेकिन यस सर, और इंटर सर फोर्स मॉलिकुलर बहुत फोर्स ज्यादा क्या है। है। अब समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं? तो यस सर आ गया सर, थोड़ा दोनों पॉइंट ध्यान से सोचिए, सोचेंगे तब आएगा। और यस यहाँ सर देखिए, आ इफ गया। द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी टाइटली, वही सॉलिड तरह समझिए, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाई। एक ही बात तो है दोनों, ठीक है ना? थोड़ा सोचने वाली बात है, सोचेंगे तब समझ में आएगा, फील करेंगे तब। अब चलिए आगे बेटा, जरा पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर हो गया ना? ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का है, ये जो बीच में छोटे छोटे हैं ये शुगर के पार्टिकल, सोल्यूशन बन गए। चलिए नेक्स्ट समझिए, और कौन सा क्वेश्चन दिया था, और शायद कंडेंसेशन दिया था। चलिए कंडेंसेशन का समझिए, सेकंड लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग
कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन याद नहीं कि किस सीक्वेंस में दिया था, देखिए जो जो हमें दिमाग मारा बताते रहें आप लोग, जो क्वेश्चन रह जाए हमें बता दीजिएगा, हमें याद नहीं मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था, आप लोग बताते जाइएगा। देखो कंडेंसेशन बेटा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इंटू लिक्विड, पता है ना सबको कंडेंसेशन का मीनिंग होता है कन्वर्जन ऑफ गैसियस यानी कि वाटर वेपर इंटू लिक्विड, यानी गैस का यानी वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना। गैस का मतलब यहाँ वाटर वेपर समझिए आप लोग। अब ये कौन कौन सा है फैक्टर, नंबर वन बच्चों लिखिएगा, फैक्टर्स में नंबर वन है बताइए फर्स्ट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जरा बेस को सोचिए, तो ह्यूमिडिटी ये फर्स्ट फैक्टर बताओ, अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो कंडेंसेशन ज्यादा होगा कि कम होगा, सोच के बताइए। बताइए सोलो बेटा, जैसे बरसात का सीजन है अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा, उमस ज्यादा हो जाए, वाटर वेपर ज्यादा हो जाए, हवा में पहले से ही ज्यादा वाटर वेपर है, तो कंडेंसेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? सर कम होगा, ज्यादा होगा, उल्टा बता रहे हैं आप लोग। आप सोचिए जरा, इस समय रेनी सीजन है और पहले से ही उमस से काफी ह्यूमिडिटी है, एयर में बहुत सारा वाटर वेपर, देखते हैं जब किचन में आप चले ये खाना बनाने लगिए कितनी तेज गर्मी लगती है कि नहीं? अभी आप किचन में चले ये बरसात इस समय देखते हो एकदम लगता है जैसे चक्कर आने लगा, ऐसा फील करते हैं, बहुत गर्मी होती है। अब किसी के यहाँ ये वो चिमनी उमनी लगा अलग बात है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, उमस होती है कि नहीं? अभी आप घर कमरे को बंद करके छोटा सा ऑयल का या कैंडल जला दीजिए, उमस बढ़ जाती कमरे में। तो देखिए ह्यूमिडिटी बेटा अगर ज्यादा है तो कंडेंसेशन तेज होगा ना, अब खुद सोचो, एयर है, एयर में पहले से ही वाटर वेपर है और नीचे से आपने मान लिया वाटर को बॉयल किया, उसका वेपर उड़ रहा है ऐसे ऐसे, वो ऊपर नहीं निकल पाएगा ना, जैसे एयर में जाएगा ह्यूमिडिटी पहले से उसी में वो कैच हो जाएगा ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तुरंत, है कि नहीं? बताइए। हेलो, यस यस, बात समझ आ रही है? यानी ज्यादा ह्यूमिडिटी होने कंडेंसेशन फास्ट होगा, स्लो नहीं, ध्यान दीजिए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, कंडेंसेशन, नोट करिए, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो कंडेंसेशन भी फास्ट होगा, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन, यहाँ कंडेंसेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, बातें क्लियर हो गई? तो क्या इसका मीनिंग हो गया, हायर द ह्यूमिडिटी, मैं बोल दे रहा हूँ समझ लीजिए आप लोग, हायर द ह्यूमिडिटी greater is the amount of water present in the air, hence the rate of condensation is also high, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड देखिए फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर, टेम्परेचर सोचिए बताइए, टेम्परेचर और रेट ऑफ कंडेंसेशन में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्सली है कि डायरेक्टली है, बताइए आप, ये तो कॉमन सी बात है, पढ़ा है आपने भी, टेम्परेचर कम ज्यादा का कंडेंसेशन, इनवर्सली है, कॉमन सी बात है भाई, भाप को ठंडा करेंगे तभी तो कंडेंसेशन होगा, इट मींस वन अपॉन रेट ऑफ कंडेंसेशन, आप चाहो तो रेट ऑफ यहाँ भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर यहाँ लिख सकते हैं, इसमें इधर प्लेस को चेंज कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना, इसलिए टेंशन ना लीजिए, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन रेट ऑफ कंडेंसेशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो रेट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ लिख दीजिए और टेम्परेचर को यहाँ लिख दीजिए, बात देखिए कोई इसमें डिफरेंस नहीं,
वन अपान लिखा जाएगा तो इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें क्या है इनवर्सली है। इसका मतलब बेटा क्या कहने का हुआ कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हुआ कम हो जाएगा, और टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर कम मतलब ठंडा करेंगे तो कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। यानी अगर हमें कंडेंसेशन बढ़ाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम कर दीजिए तो कंडेंसेशन क्या होगा बढ़ जाएगा, ये मतलब। बताइए क्लियर हुआ भैया, रिप्लाई करिए क्लियर। यस सर, कोई डाउट हुआ तो बताया करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, तो ये दो फैक्टर्स होते हैं कंडेंसेशन के लिए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये हमने डिस्कस कर दिया। और कौन सा क्वेश्चन दिया तो बताइए, सब्लिमेशन भी दिया था क्वेश्चन में। यस सर, आइए सब्लिमेशन समझिए। सर ये बताइए लेक्चर समझ में आता ना अच्छे से आप लोगों को? यस सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है लैंग्वेज को लेकर या कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आप लोग हिसाब से पढ़ाता हूँ, आप लोग इजी लैंग्वेज कर, इतना समझ में आ जाता ना लैंग्वेज, और आसान करना पड़ेगा। नहीं सर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, सब्लिमेशन से कौन कौन से फैक्टर नोट करिए, फैक्टर अफेक्टिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब सबको पता है कि जब सॉलिड सब्लिमेट करते हैं। हाँ बताओ बेटा। सर टेम्परेचर मतलब होगा क्या इसका सब्लिमेशन में? सब्लिमेशन में टेम्परेचर? यस सर। हाँ पहला टेम्परेचर होगा, वेरी गुड। और सेकंड क्या होना चाहिए भाई, सोचिए भाई, टेम्परेचर करेंगे तो ये सर सर ये सर सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नहीं नहीं सर बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जरूरत नहीं होती है ना। ये सर ये सर दैट्स ऑफ सॉरी सर, कोई बात नहीं, ठीक बताया आपने। देखिए नेचर ऑफ सॉलिड, हाँ नेचर ऑफ सॉलिड हो सकता है, नेचर ऑफ सब में हो सकता है बेटा, इसलिए नेचर हम नहीं लिख रहे। हेलो सर बताइए, प्रेशर होगा, वेरी गुड। देखिए आज मैं आप लोग एक अभी बहुत अच्छी बात बताता हूँ आप लोग को, टेम्परेचर प्रेशर वाला ना, दोनों का रिलेशनशिप आप जब समझेंगे ना तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिए, फर्स्ट बेटा है टेम्परेचर, टेम्परेचर सबको पता है, टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो सब्लिमेशन ज्यादा होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉमन सी बात है, हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस से सॉलिड बदलने क्या बोलते हैं माइनस डेल्टा, यानी हीट ठंडा करना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिपोजिशन, डिसब्लिमेशन या डिसब्लिमेशन भी कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिसब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन रिवर्स प्रोसेस है, और इसको कहते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, ये सबको पता होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट सब्लिमेशन, इसमें प्लस डेल्टा होता है मतलब हीट देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, और ये क्या डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस। तो देखिए पहला हो गया टेम्परेचर इंक्रीज करने से सब्लिमेशन का रेट बढ़ता है, यानी इंक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड देखिए, सेकेंड पॉइंट प्रेशर, देखो जहां पर याद कर लीजिए, जहां पर टेम्परेचर प्रेशर की बात आएगी आज से कहीं भी बात आती है, अगर दोनों की बात की जाएगी ना तो हमेशा बताइए एक दूसरे के अपोजिट फैक्टर होते हैं,
मतलब जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वहां प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा डिक्रीज, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा हमेशा इंक्रीज, यदि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर ऑलवेज क्या होते हैं अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, ये हमेशा अपोजिट टू ईच अदर वर्क करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ बताइए प्रेशर क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये देखिए कहने मतलब क्या है, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी सब्लिमेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ लोअरिंग द प्रेशर हायर विल बी सब्लिमेशन, ये मीनिंग बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर, वेरी गुड। इसके बेटा दो फैक्टर्स हो गए सब्लिमेशन, बस इतना ही आपको याद सर, नेचर ऑफ सब्लाइम नहीं होगा, नेचर ऑफ सब्लाइम बेटा देखिए सब्लाइम का तो मतलब ही होता है कि भाई जिसको गर्म करने पर गैस बदल जाए, तो वही तो नेचर ऑफ सब्लाइम किस पर डिपेंड करेगा, मान लो कोई ज्यादा सॉलिड है तो पर ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करेंगे तो उड़ने लगेगा, यही तो है ना, तो नेचर ऑफ हीट हो गया, नेचर ऑफ सब्लिमेशन लिखेंगे तब भी ये लिखना पड़ेगा कि जो ज्यादा हार्ड होगा उसमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो सब्लिमेशन आप समझ रहे हैं। yes, मान लीजिए भाई मान लो कि जैसे सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 है और कैम्फर है, तो सॉलिड CO2 थोड़ा सा ना नर्म होता है, सॉलिड CO2 को भी देखा दोनों, सॉलिड CO2 बेटा मतलब आइसक्रीम वगैरह में लेके जाने के हाँ, लिए आइसक्रीम जो सड़क देखते हैं आइसक्रीम बेचते रहते हैं, अब जो दिन भर बेचते हैं और हमेशा की आइसक्रीम ठंडी रहती है, वो सॉलिड CO2 रखते हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह होता है बेटा, वाइट कलर का होता है, अगर आप उसको कटोरी में रख के पानी डाल दोगे ना तो उसमें से वाइट फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है और वो नीचे भागता है, कभी आप देखते हैं जो छोटे बच्चे को सीरियल बनता है तो उसमें ऐसे धुआं निकलता रहता है नीचे गिरता है, ध्यान देते हैं आप लोग धुआं ऊपर से नीचे आता है ना बहुत ही ठंडा होता है, इसे दोस्तों सॉलिड CO2 बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। अच्छा आप देखिए हम लोग नेक्स्ट जरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ये देखिए फोर्थ पॉइंट नोट करिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है ये देखिए, डिपोजिशन का मतलब होता है ये सॉलिड से गैस बनता है गर्म करने पर, तो उसको सब्लिमेशन, और जब गैस से सॉलिड बनता है ठंडा होने पर तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन, यानी कि गैसियस स्टेट का सॉलिड में कन्वर्ट होना कैसे ठंडा होने पर, यानी कि माइनस डेल्टा, डेल्टा माने हीट, तो माइनस डेल्टा माने कूलिंग हो गया, कूलिंग करने पर। देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, नंबर वन आइए फैक्टर्स की बात करते हैं, नंबर वन बेटा नोट कीजिएगा साइज। देखिए जो पार्टिकल का साइज है ध्यान दीजिएगा, स्मॉलर पार्टिकल होगा, स्मॉलर पार्टिकल तो डिपोजिट क्या होगा मोर स्लोली देन लार्जर पार्टिकल, इट मींस द स्मॉलर पार्टिकल टेंड्स टू स्टे इन गैसियस फॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मीनिंग समझ में आ रही, देखो इसका मतलब समझिएगा, साइज ऑफ पार्टिकल देखिए, अगर पार्टिकल बेटा छोटा है ठीक है ना, तो छोटे पार्टिकल ना धीमे धीमे डिपोजिट होते हैं, बातें समझ रहे हैं,
छोटे पार्टिकल ये सोचते कि हम ज्यादा देर तक गैसियस फॉर्म में रहें। भाई हमें डिपॉजिट करना, डिपॉजिट मतलब किस में कन्वर्ट करना बताइए, सॉलिड में। और सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं, ज्यादा पास पास होते हैं ना, ऐसे देखो इस तरीके से होते हैं, ध्यान समझिएगा हमारी बात। और गैस के पार्टिकल कैसे हैं, बहुत दूर दूर हैं ये देखिए। तो हमें सॉलिड बनाना तो क्या करना पड़ेगा, पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स को कलेक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल बनाना है। याद रखिएगा पार्टिकल जितने बड़े होंगे उतना जल्दी डिपॉजिट होंगे, मतलब आपस में जुड़ते जाएंगे और सॉलिड बनते जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ने में बहुत मेहनत लगे। अभी बताओ आपसे कहा जाए कि डस्ट पार्टिकल को सबको जोड़ करके एक स्टोन बनाइए, तो आपको कितना टाइम लगेगा बताइए, टाइम लगेगा कि नहीं बताइए। यस सर। हेलो सर, अभी कहा जाए अपने रूम से आप एयर में से डस्ट पार्टिकल को निकालिए और एक स्टोन बना के हमें दिखाइए, कितनी देर में बन जाएगा। आप 24 आवर्स भी कोशिश करोगे ना तो शायद बना पाओ, बन पाएगा, डिपॉजिट ही नहीं होगा, सॉलिड बन ही नहीं पाएगा। पोस्ते रहो डस्ट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं ना, याद रखिएगा साइज ऑफ पार्टिकल अगर स्मॉलर होगा तो लॉन्ग टाइम लेता है, ठीक है ना, मतलब धीमे धीमे डिपॉजिट होगा। लार्ज पार्टिकल क्या होगा, जल्दी डिपॉजिट होगा। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल में जो स्मॉल साइज के पार्टिकल हैं, नोट करिएगा, स्मॉल साइज जो पार्टिकल होंगे कौन से पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल ना, यहाँ गैसियस पार्टिकल की बात हो रही, क्या होंगे बेटा, वो स्लो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और जो लार्ज साइज के पार्टिकल होंगे, लार्ज साइज गैसियस पार्टिकल, वो फास्ट डिपॉजिट होंगे, यानी फास्टर होंगे, फास्टर डिपॉजिट होंगे, तेजी से होंगे, जल्दी होंगे, ये स्लोअर होंगे, ये याद रखिएगा। बातें समझ में आ गई भैया, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, डिपोजिशन और साइज ऑफ पार्टिकल में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली एक इनवर्सली, सर इनवर्सली, इनवर्सली कैसे होगा यार, बड़े पार्टिकल तेज होंगे छोटे पार्टिकल धीमे होंगे, यानी साइज ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली हो गया ना भाई, ये ज्यादा बड़े मतलब उल्टा समझ लिया, ये भी फास्ट होगा, उल्टा नहीं सीधा ही चल रहा, देखो ध्यान से देखिएगा, साइज बड़ा होगा तो डिपोजिशन फास्ट होगा ना, तो डायरेक्टली होगा ना रिलेशनशिप, ये देखिए। यस सर। हाँ कुछ बातें समझ में आ रही कि नहीं, सेकेंड पढ़ के नींद तो नहीं आने लगती ये सब चीजें, बिल्कुल नहीं। देखिए डेंसिटी, डेंसिटी बेटा क्या होता है सबको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घनापन, गाढ़ापन, ऐसे समझिए घनापन। यस सर, घनत्व, घनत्व हिंदी में बोलते हैं, और आप सिंपली भाषा में समझिए लैंग्वेज में कि जो भारी हो, ठीक है ना, भारी हो, डेंस हो, घना हो, गाढ़ा हो, ठीक है ना, उससे वो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे आप आयरन ले लीजिए और जो है आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन मतलब रुई ले लीजिए, आयरन बहुत भारी होता है, रुई तो बहुत हल्का होता है, यानी सॉलिड क्या है, सबसे डेंसिटी किसकी ज्यादा है, सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड की उससे कम, गैस की तो होती नहीं, बहुत कम होती है ना, समझ रहे ना। यस सर। इतना डेंस बताइए सब लोग, डेंसिटी अगर ज्यादा है, घनापन ज्यादा है, भारी ज्यादा है ना, तो जल्दी डिपोजिशन होगा कि देर में होगा, सोच के बताइए सर, देर में, दिमाग लगाइए, जो भारी होगा वो जल्दी होगा कि देर में होगा सर, देर में, जल्दी होगा यार, अभी तो पढ़ा तो ऊपर ये देखो। यस सर, मतलब भारी पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो फिर मतलब भारी होगा, साइज की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी
स्मॉल साइज जो पार्टिकल होगा उसकी डेंसिटी कम होगी ना बेटा। बोलिए, यस सर, यस सर, बातें समझ रहे हैं ना? चलिए, यस सर, हम यस क्या सर, लिख सकते हैं बताइए? हायर द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल विल डिपोजिट फास्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, द हायर डेंसिटी पार्टिकल विल डिपोजिट फास्टर, यानी यस कि मतलब ये प्रोपोर्शनली होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना? समझ यस सर, गया आपको, यानी कि प्रोपोर्शनल टू डिपोजिशन। नोट कर लीजिए, किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ गैसियस गैसियस पार्टिकल। नोट कर, पार्टिकल्स। यानी देखो इसमें कोई नई चीज नहीं बताया हमने, जो ऊपर का पॉइंट है ना उसी से एक पॉइंट बन गया ये। देखिए इसमें आप नीचे चाहो तो लिख लीजिएगा कि अगर स्मॉल साइज पार्टिकल है, स्मॉल साइज पार्टिकल कौन से पार्टिकल? गैसियस पार्टिकल, इनकी डेंसिटी क्या होगी? लो डेंसिटी होगी, लो डेंसिटी होगी। और सेकेंड पॉइंट लिख दीजिएगा, जो लार्ज साइज पार्टिकल होंगे, लार्ज साइज्ड पार्टिकल यानी गैसियस पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल पार्टिकल इनके क्या होगा बेटा? हाई डेंसिटी होगी, हाई डेंसिटी होगी। ये मीनिंग हुआ, नोट कर लीजिए। इट मींस डेंसिटी ऑफ पार्टिकल आल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ डिपोजिशन। द हायर डेंसिटी पार्टिकल्स विल डिपोजिट फास्टर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नहीं सर। वेरी गुड। चलिए और कौन से फैक्टर्स थे बताते चलिए, मैं डिस्कस कर दूं। सर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, चलिए आइए मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा एक क्वेश्चन पहले पूछ ले, तब तभी तो दिमाग में आया फिर भूल जाएंगे। चलिए जैसे समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे हम अपन उन्होंने पढ़ा था ना कि सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं हम लोग लिक्विड में, और लिक्विड को बेटा कन्वर्ट करते हैं गैस में। मैंने कहा था ना आपको प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताएंगे, बताइए सोच के बताइएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से फैक्टर की जरूरत पड़ती है? टेम्परेचर की? तो सर टेम्परेचर हाई हाई करेंगे, प्रेशर लो करेंगे। हाँ याद रखना बच्चों, वेरी गुड, यही पूछना चाह रहे। देखो इसमें टेम्परेचर को हाई रखा जाता है, यहाँ भी क्या करेंगे? टेम्परेचर को हाई करेंगे, हाई रखेंगे इधर सर, बताइए प्रेशर तो, को इधर बताइए क्या करेंगे? टेम्परेचर को लो, यहाँ क्या करेंगे यस बेटा? सर, और टेम्परेचर सर को, प्रेशर हाई रखेंगे। और हाँ वेरी गुड। और देखिए जहां टेम्परेचर हाई होता है आप बिना सोचे समझे लिख दिया करिए, क्या वहां प्रेशर हमेशा डाउन होगा? यहाँ प्रेशर क्या होगा बताइए? डाउन होगा, लो होगा। यहाँ बताइए प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। यहाँ बताइए प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। ये बात समझ में आ गई? यानी यस सर, सॉलिड से लिक्विड में आने में उनको क्या चाहिए? हायर द टेम्परेचर, लोअर द प्रेशर, या इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए लिक्विड से गैस में क्या करते हैं? हायर द टेम्परेचर, लोअर द प्रेशर, तो बहुत फास्ट होगा ये रिएक्शन। यानी कि ये मेल्टिंग के लिए हो गया, मेल्टिंग अभी जो हमें पढ़ना है ना मेल्टिंग, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या मेन जरूरी है? हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ठीक है ना? हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लिक्विड से गैस यानी कि बॉइलिंग, बॉइलिंग के लिए क्या जरूरी है? हाई हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। गैस से लिक्विड यानी कि कंडेंसेशन। ये देखिए अभी हमने यस डिस्कस सर, किया लो था टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, अभी तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और यहाँ देखिए ये हो गया फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के लिए, फ्रीजिंग की क्या जरूरी है? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। देखिए जरा ध्यान देना बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लोअर टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये सिर्फ दो जगह फॉलो होता है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ फॉलो होता है? सॉलिड
सॉलिड जहां लिखा होगा ध्यान देना, जहां सॉलिड की बात होती है सॉलिड में बेटा प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देखो नोट में लिख लीजिए, यही बच्चे गलती करते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। आप सॉलिड को बेटा चाहे जितना दबा दीजिए उस पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। आज जरा सोचो जिस घर में आप रह रहे हो वो ब्रिक से बना है कि नहीं बताओ, ईंटे से बना है ना, बोलिए। यस सर, ईंटे से बना है ना। आप सोचिए इस आपके घर में जो सबसे नीचे ईंटा लगाया होगा जो न्यू में लगा होगा, अगर हम आपके घर को पूरे न्यू में से हम ईंटा एक निकालें तो क्या उस ईंटे की साइज छोटी होगी उतना ही रहेगा, बताइए आप। सर उतना ही रहेगा। सर उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा ना, भले ही वो घर 100 साल पुराना हो, ईंटे का साइज तो छोटा नहीं होता ना कि घर का वजन पड़ने से ईंटा चिपक जाए, पिचक जाए, छोटा सा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि प्रेशर का मतलब ना प्रेशर चाहे जितना भी हो उसके मतलब मैटर में चेंज नहीं होता, नहीं होता सॉलिड में, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको जितना छोटा होना तो हो चुका पहले से ही। आप सोचिए पूरे घर का वजन कितना होगा, सोचिए पता नहीं कितना वजन होगा, आप मान लो 10 मंजिले 10 स्टोरेज बिल्डिंग। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं सर, उसका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। ये सर फोर्स होता है जी, हाँ यही मैं कहना चाह रहा था, अब उससे कम हो ही नहीं सकता। तो आप बताइए जैसे आपसे कहा जाए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताइए। टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा ये तो सही है, क्या प्रेशर लो करने की जरूरत है? यस बताइए, बोलिए। जहां सॉलिड की बात हो जाएगी वहां पर प्रेशर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट कहां होता है इसका, बट याद कर लो बेटा, बट इफेक्ट करता किस पर, इफेक्ट ऑन गैसियस स्टेट सर, जो जहां कंप्रेस हो सकते हैं, गैसियस कंप्रेस हो सकता है। इसलिए देखो सिर्फ यहां पे याद रखिएगा आप लोग, जो गैस की बात की जाती है ना, यानी कि ये इतने में यूज होगा ये, यानी प्रेशर कहाँ पर देखा जाता है, लिक्विड से गैस बनाने में और गैस से लिक्विड बनाने में, याद रहेगा ना। अब मेनली कहाँ पर देखा जाता है, ये गैस टू लिक्विड में देखा जाता है, याद रखिएगा। हमेशा कहाँ देखा जाता है बच्चों, गैस टू लिक्विड जहाँ कन्वर्ट होता है ना वहां पर प्रेशर को मेन ध्यान दिया जाता है, यानी कि कंडेंसेशन के दौरान। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए। यस सर। हाँ, या लिक्विड से गैस में भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने देखा था ना, अर्थ पे 100 था, माउंटेन एवरेस्ट पे चले जाइए, माउंट एवरेस्ट पे तो ये कम हो जाता था क्योंकि वहां प्रेशर कम हो जाता था, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर तो यूज होता है प्रेशर का, इधर यूज नहीं होता है, इधर ऐसा कोई इंपॉर्टेंस कोई खास नहीं है। चलिए तो ये बात बड़े थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन सा था, फोर्थ पढ़ा दें, फिफ्थ पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। देखिए फर्स्ट लिखिएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स समझते हैं आप लोग, IMF बोलते हैं, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा मैंने उसमें बताया। यस सर, यस सर। फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंटर मतलब होता है बिटवीन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, इससे कम लिक्विड, सबसे कम गैस में, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन अ सॉलिड हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट, यानी फर्स्ट लिखिएगा ये डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली टू मेल्टिंग पॉइंट,
यानी कि ये ज्यादा रहेगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, आईएमएफ ज्यादा होगा तो एमपी भी ज्यादा होगा। नोट कर लीजिए, मैं नीचे लिख देता हूँ, एमपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप ले लिया आयरन और ले लिया आइस, बताइए किस में आईएमएफ ज्यादा है? सर आयरन, आयरन, आयरन का ज्यादा है तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स और इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स में किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा? आयरन का ज्यादा होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। कितना होता है? देखो इसका जीरो होता है और इसका कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस, बताया था ना। लोहे को अगर आप पिघलाएंगे तो 1535 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड बेटा लिख लीजिएगा कि ग्रेटर द साइज ऑफ पार्टिकल हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? सेकेंड बेटा जो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नोट कर लीजिएगा, साइज ऑफ पार्टिकल, किसके पार्टिकल? सॉलिड के पार्टिकल, जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये देखिए अभी तक हम लोगों ने गैस का डिस्कस किया था, उसमें कंडेंसेशन में, यहाँ पर सॉलिड की बात की जाएगी। दो पॉइंट समझ में आ गया, बताइए। यस सर। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और इसको हम लिख देते हैं कि पार्टिकल्स कैसे कॉम्पैक्टली हैं या लूजली हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे लिखिए पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। या आप ना समझ में आए तो आप ये लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सीख लो आसान लैंग्वेज में, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल की बात हो रही है, भी ध्यान रखना, सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही है। किस पार्टिकल्स की बात हो रही है? सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए होता है, ठीक ना। देखो अगर बेटा ये बहुत टाइटली अगर पैक हो, क्या हो? पैक्ड वेरी टाइटली, अगर बहुत टाइटली पैक होंगे तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा? सर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा ना। ध्यान रखिएगा पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अगर ये क्या है, वेरी टाइटली है ना, क्या है, वेरी टाइटली है। और कैसे हैं? और सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो, वेरी टाइटली, एंड एक पॉइंट और इसमें बढ़ा लीजिए, अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर या ऑर्डर लिख लीजिए, एक ही बात है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा? हाई होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, कॉजेस हायर मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये जितना आपने लिखा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चलिए सारे क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, क्या होगा बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कि ये अरेंजमेंट ऐसा कहाँ होता है, ठीक है। जैसे देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे डायमंड का नाम सुना, डायमंड? यस सर। डायमंड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत सिस्टमेटिक मैनर में होते हैं, ठीक है ना, इसलिए डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है,
कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट पता है इसका? 3990 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हैं नियर अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए सारे नॉन डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल ही तो है, कार्बन ही तो होता है, कार्बन को ही डायमंड कहते हैं, प्योर फॉर्म प्योर कार्बन है। पेंसिल की लीड देखा ना जिससे लिखते हैं आप लोग, वो भी कार्बन है। अब कोयला जो आप यूज करते हैं वो भी कार्बन है। लेकिन देखिए डायमंड के जो एटम है ना बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं, इसलिए डायमंड क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है। ध्यान दीजिएगा इस अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। डायमंड को कट करने के लिए डायमंड की जरूरत पड़ती है। केवल डायमंड ही क्यों है क्या बेटा सर, इतना परफेक्टली केवल डायमंड ही क्यों है? डायमंड देखो बेटा क्या होता है ना कि इसका एक 3D स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें इस तरीके से कार्बन के बीच में बेटा बॉन्ड बन जाते हैं ना, जिसकी वजह से क्या है इसमें जो कार्बन होते हैं ना, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, फिर उसका अगला कार्बन फिर 4 कार्बन जुड़ा होता है। इसका ऐसा बेटा अरेंजमेंट हो गया ना कि ये स्ट्रांग हो गया। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे देखो धागा हमने कलाई बांधा, ये अब इसको हम तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम एक एक को पकड़ के तोड़ेंगे तो टूट जाएगा कि नहीं बताइए आप, बताइए। यस सर। तो ये क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि सारे धागे एक साथ मिलके ये स्ट्रांग हो गए। सेम इस तरह कार्बन की कंडीशन होती है। वीडियो ब्लैक हो गया है। हाँ बेटा लाइट चली गई। तो इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस सर। लाइट भी चली गई। चले तो ठीक है, हम लोग बेटा कल डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि जो सिस्टमैटिक मैनर के पार्टिकल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और जिनके पार्टिकल समझ लीजिए, और जिस सॉलिड का पार्टिकल अनसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि सिस्टमैटिक मैनर में या ऑर्डर में नहीं होते, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे आइस देखिए, आइस का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? हेलो यस। तो आइस का 0 डिग्री क्यों होता है? उसके जो पार्टिकल हैं वो कॉम्पैक्टली नहीं है, उनके बीच में गैपिंग है, वो अनसिमेट्रिकल है, सिस्टमैटिक नहीं है, आगे पीछे सब बिखरे हुए होते हैं। सबको पता ही है कि जो आइस होता है ना वो पानी से भी कम गाढ़ा होता है, पता ही नहीं आप लोगों को? उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, लेकिन हमको लगता है कि फ्लोट करता है। इसका मतलब क्या है? वो पानी से कम गाढ़ा है ना, उसकी डेंसिटी कम है, उसका घनत्व जो आप कह रहे थे ना घनत्व, घनापन, वो पानी से कम घना। लेकिन किसी से पूछो तो कैसे कहेगा? या कहो यार बर्फ तो भारी होता है, ज्यादा घना है, ऐसा नहीं, वो देखने में लगता है, उसके पार्टिकल दूर दूर के बीच में एयर स्पेस रहती है, एयर स्पेस रहती है, और भी उसके कई रीजन होते हैं। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो मैं आपको बता दूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। सबसे ज्यादा सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है सर बीईसी के पार्टिकल्स हैं। हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग और इसे बेटा कल डीपली हम लोग डिस्कस आगे करेंगे, आज इतना आप लोग प्रिपेयर करिए। देखिए इसके बाद आप लोग का 10 सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? बायोलॉजी का चैप्टर 10 सेल, ओके? यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों, सर कोई होमवर्क? सर होमवर्क में आप लोग को सेंड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग उसके आंसर रिप्लाई करना, ठीक है भैया? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ईमानदारी से सॉल्व करिएगा आपको, ठीक है? बेस्ट आपका। यस ओके बेटा, दैट्स ठीक, गुड नाइट।